मीडिया की टीम मिनी सचिवालय मौजूद है। काफ़ी लंबा जाम हमने देखा भी, जो दयानंद रुलाणा जी विधानसभा क्षेत्र इसराना से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब जीटी रोड से आ रहे थे तो काफ़ी लंबा जाम और काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिनी सचिवालय में पहुँचे हैं। जानते हैं कैसा क्या, जो रास्ते में किन किन परिस्थितियों से गुजर करके आए हैं, कैसा क्या माहौल रहा। सर नमस्कार। वर्कर बहुत ज़्यादा पहुँच गए थे अपनी गाड़ियों से, मोटरसाइकिल पे, ट्रैक्टर पे, बहुत भारी जाम लग गया था और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी थोड़ी देर में हम अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। कागज़ों की वेरिफिकेशन जारी है और पूरे धमाके से चुनाव लड़ेंगे और जो प्रत्याशी हमारे सामने दो ही हैं, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों के हम जमानत जब्त करने का काम करेंगे। सवेरे 9 बजे का टाइम आपने रखा था पे चलने का और 1:30 बज चुका है, काफ़ी समय लग गया आने में, क्या कारण रहा। कारण तो कह रहे हो ना, इतनी मोटरसाइकिल, इतनी गाड़ियाँ, इतने ट्रैक्टर थे तो बड़ा होच पोच हो गया था, बड़ा समय लगा और बड़ा जुनून था लोगों में यहाँ नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा है। फिर शहर की भी दिक्कत होती है, आपने पता ही, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हमारा जननायक जनता पार्टी का जो आज हौसला में नज़र आया, उससे लगता है कि हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होगी। काफ़ी जो क्राउड आपके साथ है आज, काफ़ी मात्रा में जनसमूह आपके साथ उमड़ा है, क्या कारण है, क्यों इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। कारण तो हमारे नेता भावी दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनका ही है, क्योंकि उनकी नीतियां जननायक चौधरी देवलाल वाली हैं और लोगों ने उनको पहचान लिया, देख लिया है। अभी ये जो चौधरी दुष्यंत चौटाला जी है, ये जननायक चौधरी देवलाल का रूप है और उसी की सारी नीतियाँ उसी के अंदर हैं और लोगों ने उसकी पहचान कर ली है और उन्होंने संकल्प ले लिया लोगों ने इसको मुख्यमंत्री बनाने का। और अभी जो 25 तारीख को ओथ होगी मुख्यमंत्री की, तो हमारे जननायक चौधरी दुष्यंत चौटाला एज ए मुख्यमंत्री ओथ लेंगे। सर अगर मैं विधानसभा इसराना क्षेत्र की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 3 व्यक्ति ने जाकर अपना परिचय पत्र आके सौंपा था कि भाई हमें टिकट चाहिए और कांग्रेस से सिर्फ 2 व्यक्ति, क्या रहा कि 9-10 व्यक्तियों ने जननायक जनता पार्टी से जो है कि आगे जो है पार्टी हाईकमान को अपनी जो है वेरिफिकेशन या अपने जो कागजात भेजे थे कि भाई हमें भी टिकट मिलनी चाहिए, क्या कारण रहा उस चीज़ का, भाई इतना उत्साह क्यों है। काम तो सभी ने किया मिलजुल के, कोई 19 काम हो जाता है, कोई 21 हो जाता है और कोई हमारा आपस में मतभेद नहीं है। सारे जितने भी टिकट मांगने वाले थे कैंडिडेट, सब हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर हम जननायक जनता पार्टी से दयानंद रुलाणा को जो टिकट मिली है और भारी मात्रा में क्राउड जनसमूह उमड़ा है इनके साथ इसराना विधानसभा क्षेत्र से, और तो देख सकते हैं आप सभी जो कार्यकर्ता जो युवा साथी साथ में उमड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, बाइकों पर सवार होकर के, देख सकते हैं किस प्रकार समर्थक जो काफी जोश में चला रहा है दयानंद रुलाणा को लेकर के, और कहीं ना कहीं असमंजस में थे कल तक परसों तक, काफी मात्रा में भीड़ यहाँ पर पहुंची है। जाना चाहेंगे आप, दयानंद रुलाणा जीतेगा, दयानंद रुलाणा जीतेगा, दुष्यंत चौटाला सीएम बनेगा। राम राम जी। राम राम भाई। पार्टी ने जो है दयानंद रुलाणा को टिकट दे दी, किसी प्रकार की फूट, कोई प्रकार की कोई फूट नहीं है, सारे इस राणा की जनता मन बना चुकी है भाई दुष्यंत चौटाला को कामयाब बनाना है। और अब की बार हरियाणा में दुष्यंत चौटाला भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के होंगे, कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है भाई, कोई बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी से जो समर्थक दयानंद रुलाणा के पहुंचे यहाँ पर, क्राउड देख सकते हो, भीड़ देख सकते हो, किस प्रकार का जोश निकल करके सामने आ रहा है भाई, युवा शक्ति पे पहुंची। हाँ भाई, हाँ भाई, पूरी हो है, बीजेपी खत्म है, खत्म। ट्रैक्टरों के माध्यम से किस प्रकार सजावट को आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में जनसमूह के
हल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस प्रकार की स्थिति के अंदर परिवर्तन की जो लहर, जो परिवर्तन की जो बात करते हैं, आज परिवर्तन ला कर देख सकते हैं किस प्रकार भारी क्राउड जो है कि यहाँ पर दयानंद उरलाना जी के साथ थोड़ा काफी मात्रा में भीड़ जाम लग चुका है। जीट रोड के ऊपर 2.5-3 किलोमीटर का जो जाम, जनता का जो समर्थन, अपार समर्थन इसराना विधानसभा क्षेत्र से जो मिला है यहाँ पर दयानंद उरलाना जी को। और पार्टी में अगर किसी प्रकार की फूट की बात करो तो साफ साफ इनकार करना है सभी संगठित होकर के। सिर्फ एक लक्ष्य इन्होंने बना लिया है कि दुष्यंत चौटाला को जो है भावी CM यहाँ मान करके चल रहे हुए हैं। और टिकट की जो दौड़ में कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी रही इनकी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि टिकट आपके घर आई है। ये बधाई मेरी नहीं है, सबको बधाई है कि चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जिस इज्जत से हमारे को आज नवाजा है, हम उसको तय दिल से पूरे सराना हल्के की तरफ से बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमें मतलब हर तरीके का चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने मौका दिया। और मैं पूरे हल्के की तरफ से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। काफ़ी मात्रा में जनसमूह बढ़ा है। अगर मैं बात करूँ पार्टी किसी पार्टी विशेष की तो मुझे कोई लगा नहीं ऐसा कि भाई जो इतना अपार समर्थन लेकर के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हो। ऐसा है जी, हर आदमी अपने आप को दुष्यंत सोचता है, दुष्यंत हम हैं, हम दुष्यंत हैं, सब आदमी अपने आप को दुष्यंत समझ के चल रहे हैं, इसलिए पार्टी एकजुट है, हम सब एक चल के चल रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि पार्टी विजय होगी और भारी मतों से हमारा जीत होगी। 9 बजे से जो है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चलना था, काफी समय लग गया आने में, क्या कारण रहा? जनता का प्यार इतना है जी, कोई कहीं रोक रहा है, हर जगह से लोग साथ में जुड़ के चल रहे हैं, चाहे बच्चा, जवान, बुढ़ा, माता, बहने, सब इकट्ठे साथ चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। और उस हर प्रकार से हम यहाँ से तरीके से पहुंचे हैं। ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे जनता से? मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि मेरे पिता दयानंद उरलाना जी, जो कि इस टाइम चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी का चिन्ह जो कि चाबी का है, उसको लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, उनको पूरा आशीर्वाद दें और भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद उरलाना जी के जो सपुत्र मौजूद थे और सपुत्र इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है कि भारी क्राउड, जनता का जो अपार समर्थन इनको मिल रहा है। मिलते हैं दयानंद उरलाना से, मिलते हैं, देखते हैं कहाँ पर भेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि भारी जो क्राउड, जो पब्लिक जो है दयानंद उरलाना जी के साथ में उमड़ करके आई है और बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह, हर जगह से क्रूजर गाड़ी आप देख सकते हैं, अपने निजी साधन को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। किस प्रकार की भीड़ आप देख सकते हैं कि नज़र आ रही है। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसा क्या माहौल लग रहा है जनता? आप देखो मीडिया को पता होगा, बहुत तगड़ा माहौल है जी। सीट निकल जाएगी सराना विधानसभा? हाँ बिल्कुल, कन्फर्म निकलेगी। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो क्या? यातायात पूछना है भाई साहब, 2-4 दिन नहीं है, 2-4 दिन में तो यातायात कंट्रोल नहीं होता है। ये 2-4 दिन भाई आज बरा के चले जाओ पर्चा, फिर वोट गिर नहीं है, फिर यातायात के नियमों का पालन नहीं कराए भाई। जीत जाएगा दयानंद उरलाना जी? जीतेगा भाई, जीतावांगे, चाहे सारे भाई साथ जाएंगे तो जीतेगा भाई। भीड़ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जाम लग चुका है। दयानंद उरलाना जी पहुँच चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, भारी मात्रा में जनसमूह जो है पहुँचा हुआ है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।